ओ भोलिया रमता तो पधारो मारे आंगणे, ओ थारी गणी तो करेला मने वारे, पधारो मने वारे, पधारो मारे आंगणे। राम राम सा, जय गुरु महाराज की। आज परमहंस संत श्री जुगल किशोर जी महाराज जो 108 वर्षीय हैं और राम नाम में जिनका जीवन है, SMS अस्पताल में वो स्वास्थ्य परीक्षण और समुचित इलाज के लिए भर्ती है, तो उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री भौमिया जी महाराज मंदिर SMS अस्पताल के बेसमेंट में हम हरिनाम संकीर्तन और भजन कर रहे हैं। आज ही संत श्री जानकी दास जी महाराज का वर्षी महोत्सव है जो मारवाड़ में मनाया जा रहा है, तो उनके उपलक्ष्य का सत्संग भी आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। संत इस संसार को सदमार्ग पर चलाने के लिए आते हैं। 108 वर्षीय संत श्री जुगल किशोर जी महाराज 100 वर्षों से राम नाम की तपस्या में तल्लीन है, तन को काम में मन को राम में रमाए हुए हैं। तो आज हमारे ओम जी और हमारे अमित भाई, अनिल जी तिवाड़ी, पप्पू जी, हमारी सबकी इच्छा थी कि बाबा जी के स्वास्थ्य के लिए हम भगवान का नाम स्मरण करें और भौमे जी के स्थान पर करें, तो सारी व्यवस्थाएं मिल गई। अभी डॉक्टर अचल शर्मा जी जो है कि सुप्रिटेंडेंट है, वो भी आके गए और हवा महल से विधायक और हाथोज हनुमान जी धाम के महंत बाल मुकुंदाचार्य जी भी आए, कई सारे भक्त जो बाबा से जुड़े हुए वो सब आ रहे हैं। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया की कामना करते हैं कि जो भी संसार में किसी न किसी रोग से पीड़ित है उनका सबका स्वास्थ्य उत्तम हो, सबका भगवान के भजनों में मन लगे, सब अच्छे सच्चे नेक ईमानदार कामों में आगे बढ़ें। भगवान ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा सेवा भाव दिया है, तो उसका आनंद ले रहे हैं। और इस सेवा भाव में भजन गायक के रूप में बहुत ही सेवाभावी समर्पित मेरे प्रिय साथी मेरे नाम राशि भाई हरिराम जी हैं जो संदेड़ा फार्म पीपलू से हैं। ये ओम जी हैं, बहुत सेवाभावी सत्संग प्रेमी आदमी हैं। हमारे अमित भाई भैया लोकेश है, तो ये खेतों का काम चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि बाबा जी के स्वास्थ्य के लिए आपको पधारना है, तो आपने खेतों का काम छोड़कर और परमार्थ किस काम के लिए आ गया है। अब इनकी सेवा करना तो हमारी ड्यूटी है, वो हम करेंगे। अब आओ, आपको भौमिया जी महाराज के दर्शन करवाता हूँ। आओ, जहाँ पर आज मालपुओं की प्रसादी का भी माँ प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, तो यह है हमारे SMS अस्पताल के बेसमेंट में भौमिया जी महाराज। किसी भी स्थान के कोई न कोई अधिष्ठाता होते हैं और इसीलिए SMS अस्पताल के अधिष्ठाता हैं श्री भौमिया जी महाराज। जो भी डॉक्टर कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर नमन करके वो जाते हैं और भौमिया जी महाराज जी इसके अधिष्ठाता हैं, इनके कृपा से बेड़ा पार लगता है। चूँकि मैं पिछले दिनों अयोध्या जी और चित्रकूट गया था, तो चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष वनवास रहे, तो वहाँ पर के अधिष्ठाता है कामतानाथ जी महाराज जो भैरव जी का ही स्वरूप है। तो जब भगवान राम आए तो कामतानाथ जी से जाके प्रार्थना की कि महाराज हम 14 वर्ष के वनवास के लिए आए हैं, आपकी नगरी में रह सकते हैं कि अधिष्ठाता है? तो कामतानाथ जी ने कहा प्रभु आप तो त्रिलोकी के नाथ हो और आपको भी आज्ञा की जरूरत है, लेकिन स्थान प्रदानम होता है हर जगह का, कलेक्टर कलेक्टर की जगह, SDM की जगह, प्रिंसिपल प्रिंसिपल की जगह, तो इसलिए यहाँ भी अधिष्ठाता भैरव जी महाराज हैं, भौमिया जी महाराज हैं और इनके चरणों में हम सब शीश झुकाने आए हैं। ये गोनेर लक्ष्मी जगदीश भगवान की नगरी का मालपुए का महाप्रसाद आया है और 61 किलो का ये प्रसाद जो है वो आज यहाँ पर इनको समर्पित करते हुए ये महाराज के प्रसाद, और उसके बाद में ये सारे यहाँ के जो भी मरीज और उनके जो परिजन है उनको भेंट किया जाएगा। तो भौमिया जी महाराज की अपनी एक अद्भुत महिमा है, अखंड ज्योत यहाँ पर चलती रहती है और जो हमारे सनातन धर्म में जिन भी देवताओं को देवपुरुष माना गया है उनकी सारे की फोटो मूर्तियाँ यहाँ पर है। इधर अखंड ज्योत भैरव जी महाराज की यहाँ भी जलती रहती है, घी की ज्योत है जो अखंड रूप से जल रही है कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। तो मरीजों के चेहरों पर मुस्कान आए और दुखी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत की भावना हम सब की रहे। तो आओ एक बार भैरव जी महाराज के पास में एक वंदना हम सब करते हैं और उसके बाद में पूरा जो हमारा बना हुआ है एक बार सभी लोग यूं हो जाओ और एक भौमिया जी महाराज का प्यारा सा मुखड़ा सुना दो हरि जी। भौमिया जी महाराज का देखो प्यारा सा मुखड़ा यहीं से एक बार बाबा के दरबार में फिर उधर बैठ के सत्संग और करेंगे। आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटे की सत्संग का बहुत आनंद आ रहा है और इसी आनंद का भगवान आ रहे हैं कि राम 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 कई हे जाही विधि राखे राम ताही विधि राही राम 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 कई हे जाही विधि राखे राम ताही विधि राही। ये राम की महिमा तो हम शुरू से गा रहे हैं। आज भौमिया जी को एक हाजिरी लगा दो हम जी। ओ भौमिया रमता तो पधारो मारे आंगन ओ थारी गणी तो करेला मने वारे पधारो मने वारे पधारो मारे आंगन। चलो आइए अब भौमिया जी का पूरा भजन आरती या गाएंगे। बोलो भौमिया जी महाराज की जय। अब एक भौमिया जी का प्यारा भजन सुनते हैं। भौमिया रमता तो पधारो मारे बाय।